अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय ईद व्लॉग। सो आज जो है ना वो सुबह सुबह मैं उठी हूँ। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। और जो है ना वो आप लोग देख सकते हैं मैं अभी छत पे आई हूँ, तो अभी हम लोग ने कुर्बानी करनी है। और ये जो है ना वो बाबा आ गए हैं, तो ये जनाब बाबा से ईद मिल रही हैं और बाबा से ईदी मांग रही हैं। जी चलें जी, ईदी दें आप ईदी। तो बाबा का कह रही नहीं, बाबा कह रहे हैं पहले आप तैयार हो जाएं, लेकिन ये मैडम कह रही है ईदी अभी चाहिए बस। तो जी बाबा को अब ईदी तो देनी पड़ेगी। वाह जी वाह, भाई इन्होंने अपनी ईदी ले ली हुई है। अब ये एक एक भाई से ये गले मिलेंगी और ईदी लेंगी। हाँ हाँ मिलो मिलो, मैं जोड़ के जा रहे हैं अल्लाह के बाद। हाँ जी, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग अभी ऊपर आए हैं। अभी हम लोग ने जो है ना वो अपने बकरे की कुर्बानी करनी है। अल्लाह के बाल छोड़ के जा रहे हो जी। तो अब इसने जो है ना वो दाने शाने खा लिए हैं, अब बाबा आ गए हैं। बाबा इसका रस्सा खोलेंगे और अब इसको लेके जाएंगे हम लोग जी। ये तो जा ही नहीं रहा भाई, बस इसे खाने में माशाल्लाह बहुत बहुत एक्टिव है। अब कह रहा है मुझे बस जाना ही नहीं है। अभी हम लोग ने इसको लेके जाना है जो है ना वो, इसे ज़िबा करने का टाइम आ गया। बाबा लोग ईद नमाज़ पढ़ के आ गए थे। अभी हम लोग अपने स्वीटू को जो है ना वो अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे और उसके बाद जो है ना वो फिर जो रूटीन वर्क होता है हमेशा हर ईद पे, कि गोश्त वगैरह बनाएंगे बाबा भाई लोग, और उसके बाद जो है ना वो सबकी तरफ बांटा जाएगा जी। अब देखें जी, हम लोग ने छुरियाँ वगैरह जो है ना वो तेज़ करवा ली थी। अब सारे जो है ना वो भाई काफ़ी उदास खड़े हुए हैं, क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत 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 स्वीट था। हम बहुत कम टाइम था, बस कोई 4-5 दिन ईद के साथ गुजारे, लेकिन हम सब बहुत बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे इसके साथ। बहुत ही मासूम और बहुत ही स्वीट था ये। इसको देख के बंदा दिल करता है बस इसे प्यार किया जाए, और कुछ नहीं। तो अभी ये जो है ना वो इसे कुर्बान वगैरह करेंगे, तो वो तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती। तो लेकिन जो है ना वो सब बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे। बस यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक हम सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। तो कुर्बानी, असल कुर्बानी का मकसद ये है कि जिस चीज़ से आपको अटैचमेंट हो उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना। ये जनाब अभी भी बस खाई जा रही है, इनको लग रहा है अभी भी उसके अंदर है। अब देखने मेरा हाथ भी ये ना खाना शुरू कर देंगे, तो खाने में तो माशाल्लाह इनका मुकाबला कोई कर ही नहीं ना सकता भाई। हाँ जी, तो अब जो है ना वो इसका रस्सा खोलने लगे हैं भाई वगैरह, तो इसको जो है ना वो कुर्बान करने का टाइम आ गया हुआ है। सो बस आप सब लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, आमीन। मैंने वो मैक्सी भी बनवा चुकी हूँ, मैंने ये वाला न्यू सूट भी लिया और जो है अभी मैं रेडी नहीं हुई, अभी रेडी होंगी फिर आप सबको दिखाऊंगी मैं कैसी लग रही हूँ और कैसी नहीं लग रही। अभी मैंने सूट और चप्पल पहन लिया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जो मैं जब रेडी होंगी तब आपको बहुत चीजें दिखाऊंगी मेरी। देखे आपको मैंने कहा था मैं मेहंदी लगवा के आऊंगी और ये मेरी चूड़ी है। हाँ जी, तो कुर्बानी वगैरह तो सब हो गई थी, तो जो है ना वो बाबा लोग अब गोश्त वगैरह बना रहे हैं। और हम जो है ना वो, ये मेरी सिस्टर ने कस्टर्ड रेडी किया है, बना लिया था, बट इसकी थोड़ी सी जो है ना वो गार्निशिंग करनी रह गई हुई थी। तो ये जो है ना वो अब बाबा ने दिया है कि जी ये इसको बना के लेके आना है, आप लोगों ने पीस करके इसको धो के साफ़ करके, और फिर आई थिंक सो रोज़ा वगैरह खोलते हैं इससे जिनकी कुर्बानी होती है। तो चलें जी, अब हम ये बनवाते हैं। वैसे आपस की बात है, ये इतना मज़े का बनता है और मैं ये सबसे ज़्यादा शौक से खाती हूँ, मैं इसीलिए ये काम करवा रही हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। तो जी इसको हम लोग बनाते हैं, फिर जो है ना वो बाबा को भिजवाते हैं और मैं भी खाऊँगी। आप लोग बताएं आप सब लोगों की ईद कैसी गुजर रही है जी। तो आप लोग देख सकते हैं बाबा भाई वगैरह सारे काम पे लगे हुए हैं। भाई ये ईद तो बस लड़कियों की होती है, नहीं तो लड़कों ने तो बस काम करना था। वैसे थोड़ा सा काम मैंने भी करवाया और ये आप लोग देख सकते हैं इधर जो है ना वो कलेजी वगैरह सब कुछ बना के रखी हुई है। कलेजी तो भाई मोस्ट फेवरेट है मेरी, फ्राई करके खाने का बड़ा मज़ा आता है इसको। और ये जो है ना वो सारा कुछ बनेगा और उसके बाद जो है ना वो फिर हर जगह जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ जी, तो इसके साथ ही जो है ना वो मेरी मम्मा ने जैसे ही गोश्त रेडी हुआ था खाना शाना बना लिया था और ये बहुत ही टेस्टी बना। एक तुम हो और नखरे तुम्हारे, एक हम है के सत के तुम्हारे। हाँ जी, तो मैं भी रेडी हो चुकी थी और जो है ना वो क्या कहते हैं बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उसके बाद जो है ना वो मैं बस रेडी हुई और उसके बाद सो गई भी थी। इतनी गर्मी में कौन जो है ना वो पिक्चर्स वगैरह ले गए, वो तो बस सिंपल से रेडी हो गई थी। आप सब लोग बताएं कि मैं जो है ना वो कैसी लग रही हूँ। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर। तो ये तो मेरी सो सो गई गुजरी है वैसे गाइस।
आप लोग देख सकते हैं शाम होते ही मौसम बहुत अच्छा हो गया, बादल शादल आ गए हैं और जो है ना वो मैं अपने ब्लॉग का कर रही हूँ एंड। तो मेरी जो है ना वो ईद तो सोचो के गुजरी, आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग ये कैसी गुजरी, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। लव फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी ईद।